हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे फॉर ईच लूप के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो पे हम डिस्कस किया था जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इस ट्यूटोरियल में हम फॉर ईच लूप के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फॉर ईच लूप अन्य सभी लूप से अलग है जो केवल अरे पर काम करता है। फॉर ईच लूप में हम अरे को आज वैल्यू बनाकर यूज करते हैं, जिससे फॉर ईच लूप में अरे की सभी आ जाती है और अरे वैल्यू को वन बाई वन यूज कर सकते हैं। फॉर ईच लूप को समझने से पहले आपको अरे को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से फॉर ईच लूप को समझ पाएंगे। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से बात करेंगे, अगर आपको किसी आरे से वैल्यूज प्राप्त करना है तो ईजिली आरे में आपको बार बार इंडेक्स नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि देनी होगी। अगर अधिक डाटा स्टोर है तो इंडेक्स नंबर बार बार नंबर बदलना पड़ता है। आप इस प्रकार प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फॉर ईच लूप का उपयोग कर सकते हैं। फॉर ईच लूप में आरएस आज वैल्यू के रूप में पास करना होता है। उस वैल्यू वेरिएबल के द्वारा आप आरे के सभी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, तब आपको कोई भी इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर ईच लूप खुद से ही लूप करके सभी वैल्यूज को प्राप्त कर लेता है और आप आसानी से इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इजीली समझ पाएंगे एक्चुअली फॉर ईच लूप कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया डॉलर कलर्स, देन आरे के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो को स्टोर किया। ठीक है, इसके बाद फॉर ईच फंक्शन कलर आज डॉलर वैल्यू, वेरिएबल आज डॉलर वैल्यू, देन इको क्या वैल्यू, सेव रिप्रेस। देखिए यहाँ पे क्या हुआ रहेगी, आरे को मैंने कलर पे स्टोर किया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या इक्वल किया, डॉलर कलर इक्वल डॉलर वैल्यू, देन इको डॉलर वैल्यू को मैंने किया यहाँ पे। आरे में हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एक आरे में, लेकिन एक वेरिएबल पे हम एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आरे को यूज करके हम यूज करेंगे तो एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते आरे में। अगर आप इस चैनल पे नया है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। और एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखिए डॉलर एज इक्वल आरे अमित ग्रेटर देन 23 कॉमा। ठीक है, यहां पे मैं एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं। देखिए आशित 24, रश्मि 25 एंड प्रिया 35। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, आरे को यूज करके हम इस वेरिएबल पे अमित, हर्षित, रश्मि, प्रिया नेम के साथ एज को भी स्टोर किया। ठीक है, नेम के साथ एज को भी हम स्टोर किया। फॉर ईच लूप चलाएंगे तो फॉर ईच एज, फॉर ईच
इज इक्वल डॉलर की, इसको हटा के मैं एक्स कर लेता हूँ, डॉलर एक्स इक्वल ग्रेटर देन डॉलर वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि अरे को एज में स्टोर किया, एज इक्वल डॉलर एक्स इक्वल ग्रेटर देन वैल्यू, यहाँ पे अमित के साथ हम एज को भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को इको करना है, किसे इको डॉलर एक्स इक्वल डॉलर वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू को छोड़ देता हूँ, बस डॉलर एक्स इक्वल वैल्यू करता हूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओनली नेम आएगा, देखिए बस अमित इक्वल वैल्यू नेम आ रहा है, इसको यहाँ से सेव रिप्लेस, देखिए अमित 23, आशित 24, रश्मि 25, नेम के साथ एज भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। फॉरिच लूप अरे की प्रत्येक वैल्यू के लिए लूप करता है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे।